हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के बारे में अगर बात करें बेटा, तो ट्रांजिस्टर को आप क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि जो ट्रांजिस्टर है, अगर ट्रांजिस्टर को आप लिखना चाहें बेटा, तो ट्रांजिस्टर को आप क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं बेटा। तो अगर हम इसके ब्रेक करने की बात करें, तो ट्रांजिस्टर को ब्रेक करके लिखा जा सकता है, ट्रांजिस्टर कैन बी रिटन एज, जो ट्रांजिस्टर है बेटा, इस ट्रांजिस्टर को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं बेटा, आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं बेटा ट्रांस प्लस रजिस्टर। इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हैं ट्रांस प्लस रजिस्टर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग ये समझिए यहाँ पर कि ट्रांस मतलब ट्रांसफर और रजिस्टर मतलब रजिस्टेंस, कि ट्रांजिस्टर जो है वर्क करने वाला है किस किस का, तो ट्रांजिस्टर जो बेटा वो ट्रांसफर करेगा, ट्रांजिस्टर जो है उसका काम होता है ट्रांसफर करना रेजिस्टेंस, ट्रांसफर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो है ट्रांसफर करेगा रेजिस्टेंस को एक सर्किट से दूसरे सर्किट की ओर। यहाँ पर इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट आपको सर्किट देखने को मिलेंगे, तो ये वहां पर रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। क्योंकि आपने जो एलईडी है, एलईडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट हमें मिलती है, वहां पर आपने ट्रांजिस्टर लगे हुए देखे होंगे, तो इनका काम होता है बेटा रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देना। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा कि दूसरा पॉइंट इनका क्या रहेगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्या करेंगे, उसके अलावा ट्रांसफर रेजिस्टेंस के अलावा ट्रांसफर सिग्नल, ट्रांजिस्टर जो है बेटा सिग्नल को भी ट्रांसफर करने का काम करता है। ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस, ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस, ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस। जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांसफर करने का काम करेगा किसको, सिग्नल को, कहां से कहां, तो फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस की ओर। यानी कि इसमें एक सर्किट मिलेगा बेटा आपको, एक लोअर रेजिस्टेंस सर्किट मिलेगा और एक हायर रेजिस्टेंस सर्किट मिलेगा, तो इन लोअर रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस की ओर उसको ट्रांसफर कर रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसमें वो नेक्स्ट पॉइंट क्या हम बता सकते हैं, तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है बेटा कि ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। जो ट्रांजिस्टर है बेटा वो एक थ्री टर्मिनल डिवाइस हमें देखने को मिलती है। ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर के अंदर हमें टोटल तीन टर्मिनल देखने को मिलेंगे। एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि हमने ट्रांजिस्टर के बारे में क्या क्या पॉइंट पढ़ा है, कि ट्रांजिस्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांस प्लस रजिस्टर। इसका मतलब क्या हो गया है कि ये ट्रांसफर करेगा किसको, रजिस्टेंस को ट्रांसफर करने वाला है। उसके अलावा ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा सिग्नल को फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस। उसके अलावा इसमें कितने टर्मिनल्स होंगे, तो आंसर है इसके अंदर तीन टर्मिनल्स होंगे। अब बात आती है कि इसके अंदर टर्मिनल कौन कौन से होने वाले हैं, तो आप टॉपिक का नाम डाल लीजिए बेटा, टॉपिक का नाम लिख लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर टर्मिनल होने वाले हैं। तो टर्मिनल्स, टॉपिक का नाम बना लीजिए बेटा, टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर, टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर, टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर। टॉपिक का नाम आप लाल लीजिए बेटा, ट्रांजिस्टर, टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं बेटा। अगर हम सबसे पहले बात करें कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल मिलेंगे, तो इसमें पहला जो टर्मिनल बेटा हमें मिलने वाला है, पहला टर्मिनल हमारे पास में आएगा फर्स्ट टर्मिनल इमीटर। फर्स्ट टर्मिनल बेटा इसके अंदर होता है इमीटर। आप लोग सभी ध्यान रखेंगे कि पहला टर्मिनल हमें कौन सा देखने को मिल रहा है बेटा, तो पहला टर्मिनल हमें देखने को मिल रहा है इमीटर। ठीक है, दूसरा टर्मिनल जो है हमारे पास में, कि दूसरा टर्मिनल कौन सा होने वाला है, तो सेकेंड टर्मिनल हमारे पास में होगा बेटा बेस। ठीक है, उसके बाद में थर्ड टर्मिनल की अगर हम बात करें कि थर्ड टर्मिनल कौन सा होगा, तो थर्ड टर्मिनल जो बेटा हमारे पास में होता है यहाँ पे, थर्ड टर्मिनल हमारे पास में हो जाएगा कलेक्टर। थर्ड टर्मिनल हमारे पास में यहां में देखने को मिलेगा है बेटा। तो हमारे पास में तीन टर्मिनल हमें देखने को मिल गए हैं, एक टर्मिनल मिला है हमें इमीटर,
दूसरा टर्मिनल बेस, तीसरा टर्मिनल मिला हमें कलेक्टर। यानी आपको यह याद रखना है कि ट्रांजिस्टर के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, तो आंसर है ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, एक इमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इमीटर बेस कलेक्टर को पहचानना कैसे ट्रांजिस्टर के अंदर, पहली चीज ये भी बात करेंगे। इसके बाद में जो इमीटर बेस कलेक्टर जो बनाए गए हैं किस किस के बेसिस पे बनाए गए हैं, तो बेटा दो फैक्टर के बेसिस पे बनाए गए हैं। पहला फैक्टर जो है डॉपिंग, पहला फैक्टर यहाँ पर जो हम ले रहे हैं बेटा वो पहला फैक्टर है यहाँ पर डॉपिंग, कि पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो डॉपिंग के बेसिस पे किया गया है कि इनके अंदर डॉपिंग कैसी होने वाली है, ठीक है। दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें कि दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया था, तो दूसरा क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डॉपिंग किसमें ज्यादा होती है, साइज किसकी ज्यादा होती है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर डॉपिंग की बात करें या साइज की बात कर लें का जो आपको आसान लगे, तो यहाँ पर पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट रहेगा कि सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी बेटा, तो सबसे बड़ी साइज, पहले मैं साइज के बारे में लिख रहा हूँ देन डॉपिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा याद रखने में इजी हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो साइज होती है बेटा वो कलेक्टर की होती है, सबसे बड़ी साइज जो है यहाँ पर कलेक्टर की रहेगी। तो आपको याद रखना है लार्जर इन साइज, कलेक्टर जो बेटा वो लार्जर होगा किसके अंदर बेटा, साइज के अंदर, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो कलेक्टर जो है साइज में सबसे ज्यादा लार्जर होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप तीनों में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बना दें, लेकिन तीनों में कंपैरिजन करें तो इमीटर बेस और कलेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा साइज में लार्ज कौन होगा, तो आंसर है हमारा कलेक्टर होगा। फिर बात आती है सबसे पतला कौन होगा, तो ध्यान रखना बेस जो है बेटा बेस सबसे थिन होता है, बेस जो है सबसे थिन होने वाला है। तो हमें एक लार्जर मिल गया, एक थिन मिल गया, तो बचा कौन सा, मॉडरेट। तो इमीटर की जो साइज होती है बेटा इट विल बी मॉडरेट, इमीटर की साइज बेटा वो मॉडरेट रहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, कलेक्टर, फिर सबसे पतला कौन है, बेस, और इमीटर सबसे ज्यादा मॉडरेट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बात करते हैं डॉपिंग। डॉपिंग आप इसका थोड़ा सा उल्टा करते हुए चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा बहुत इजीली। देखो इमीटर का काम है, नाम से पता लग रहा है, इमीटर विल इमिट, इमीटर मतलब क्या हो गया, जिसका काम क्या होगा, इमिट करना होगा, ठीक है, जो कि चार्ज कैरियर्स को इमिट करने वाला है। तो यहां पर चार्ज कैरियर को कौन इमिट करने वाला है, तो इमीटर करने वाला है। तो इमीटर की जो डॉपिंग है सबसे ज्यादा रखी जाती है। अगर हम हाई डॉपिंग की बात करें तो हाई डॉपिंग किसकी होने वाली है, इमीटर की होने वाली है। अब सबसे ज्यादा डॉपिंग इसकी कर दी, तो सबसे कम डॉपिंग किसकी करेंगे बेटा, तो सबसे कम डॉपिंग जो होती है वो होती है किसकी, बेस की। तो बेस की आप डॉपिंग लिख सकते हैं बेटा लाइट डॉपिंग, बेस की जो डॉपिंग है आप उसको लिख सकते हैं लाइट डॉपिंग, ठीक है। बेस की जो डॉपिंग होगी बेटा वो लाइट होगी, ठीक है। तो हाई इमीटर की है, बेस की लाइट है, ठीक है, सबसे लाइट बेस की हो गई। तो कलेक्टर की क्या डॉपिंग रहेगी बेटा, तो कलेक्टर की जो डॉपिंग रहेगी वो रहेगी मॉडरेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डॉपिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमें ट्रांजिस्टर के बारे में पता लग गया, हमें टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर के बारे में पता लग गया कि टर्मिनल्स क्या क्या हैं। इमीटर का काम जो होता है बेटा, मैं यहाँ पे साइड में एक टेबल बना के हम लिख देते हैं कि इमीटर का काम क्या है बेटा। तो इमीटर का जो काम होने वाला है, ध्यान रखिएगा, इमीटर का काम है इमिट करना। इमीटर का काम क्या रहेगा, इमिट, ठीक है। जो इमीटर है बेटा, इमीटर का काम आपको ध्यान रखना है, इमीटर का काम रहता है इमिट, ठीक है, इमिट। और कलेक्टर का काम क्या रहेगा, कलेक्ट करना, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स की, तो बात कर ली। अब इमीटर बेस कलेक्टर को पहचानना कैसे है, एक पॉइंट ये आता है। दूसरा, पहचानेंगे किसके अंदर, जब हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो हम बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर की, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक यहां पर लेते हैं, इसको समझने के लिए सब टॉपिक चल रहे हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें, बंद कर दो, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, आप भी जाओ, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर यहां पर जो बात होने वाली है, इसकी बात होने वाली बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कि ट्रांजिस्टर जो है कितने टाइप का होने वाला है, ठीक है बेटा। टॉपिक मैंने नोट डाउन लिख दिया है, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर की बात करें बेटा, तो ट्रांजिस्टर के दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा वो फेमस टाइप्स हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब दोनों में से कौन बेस्ट ट्रांजिस्टर होगा ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की। तो पहला ट्रांजिस्टर का पहले आप नाम लिख लीजिए बेटा इन दोनों के, कि कौन कौन से यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला ट्रांजिस्टर हमें मिलने वाला है बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर,
एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहला टॉपिक ट्रांजिस्टर जो हमें देखने को मिलने वाला है बेटा वो एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा। दूसरे ट्रांजिस्टर की अगर बात करें कि दूसरा ट्रांजिस्टर कौन सा रहेगा बेटा, तो यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर रहने वाला है सेकेंड नंबर पे, वो रहने वाला है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर। सेकेंड नंबर पे जो रहने वाला है वो है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेकेंड ट्रांजिस्टर रहेगा। हम इनके टाइप्स लिख लीजिए, सेकेंड टाइप का ट्रांजिस्टर हमारे पास में हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक हो गया बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे पढ़ना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले ट्रांजिस्टर की, फर्स्ट जो कि हमारे पास में है एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसा होने वाला है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को ड्रॉ कैसे करना है वो समझिएगा कि मान लेते हैं हमारे पास में हमने ये एक ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ये भी आपको ये समझना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बना। ट्रांजिस्टर के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, एनपीएन के अंदर क्या करना है आपको, दो पीएन जंक्शन लेना है। मैं आपको थोड़ा रफली समझा देता हूं कि हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर दो पीएन जंक्शन ले लिए। देखो ऐसा समझिए, रफली हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास में दो जंक्शन है। ठीक है, एक पीएन जंक्शन ये रहा, एक पीएन जंक्शन ये रहा। ठीक है, हमारे पास में है ना। तो अब हम क्या करें, इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। हम इन दोनों को क्या करने वाले बेटा, कंबाइन कराने वाले हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कुछ इस तरीके से करा दे, देखो हमने एक एनपी ले लिया और एक दूसरा वाला पीएन ले लिया बेटा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है, दो पीएन जंक्शन जो थे, एक पीएन जंक्शन दूसरा पीएन जंक्शन, तो हमने उसको इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, तो ये कॉमन वाला जो पी है ये कंबाइन होके हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे हमें यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा मिलने वाला है एन पी एन। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आंसर है ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर समझना कि हम इसको इरेज कर लेते हैं, अब हम पूरा बढ़िया इसका डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां पर ये समझिए बेटा देखो, इसके अंदर हमने क्या करा, हमें ये चीज बनानी है एनपीएन, इमीटर बेस और कलेक्टर, हमें दोनों तीनों चीजें बनानी है। तो इनकी साइज को ध्यान में रखते हुए भी बनाइएगा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, कलेक्टर की। तो हम क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले हम कलेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा बड़ा दिखाते हुए। ठीक है, उसके बाद में फिर हमें बनाना है किसको, इमीटर को। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, आपको देखने पे पता लग रहा होगा, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो और बड़ा दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको और बड़ा आप विजिबल कर सकते हैं, आप इसको ऐसा दिखा दीजिए उठा। ठीक है, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कौन साइज में बड़ा है और कौन साइज में छोटा है बेटा। तो यहां पर सबसे बड़ा जो साइज में है वो देखो आपको कलेक्टर ये देखने को मिल रहा है, तो इसका नाम रहेगा कलेक्टर। ठीक है, जो आपको सबसे बड़ी साइज में देखने को मिल रहा है उसका नाम हम देंगे यहाँ पर कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो सबसे पतला है इसको हम बोलेंगे बेटा बेस। ठीक है, और जो मॉडरेट है वो कहलाएगा यहाँ पर इमीटर। ठीक है, तो हमारे पास में अगर ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके बनाया तो इमीटर, बेस, कलेक्टर हमें तीन दिखा दिए। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये कहलाएगा एन पी और एन। ठीक है, एनपीएन। ठीक है, तो हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर मिल गया। अब एनपीएन के अंदर मैजिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, ठीक है, एनपीएन में आपको पता होगा सेमीकंडक्टर का जब मैंने बेसिक लेक्चर पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें मैजिटी चार्ज कैरियर में हम किसको रखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं नेगेटिव से बना रहा हूं, मैजिटी चार्ज कैरियर में कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। पी वाले के अंदर मैजिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, प्लस। ठीक है, होल्स, और एन वाले के अंदर फिर कौन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं बेटा, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन देखिए, हम उसमें सिर्फ टर्मिनल्स दिखाया करेंगे बेटा, हम उसके अंदर क्या करने वाले हैं, तो हम उसके अंदर बेटा टर्मिनल्स दिखाने वाले हैं। सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है
उसके अंदर हम टर्मिनस दिखाने वाले हैं दांत, ठीक है। अब टर्मिनस देखो आप कैसे दिखाने वाले वो समझना। यहां पर सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसा दिखा दूं, यहाँ पे एक लाइंस, फिर नेक्स्ट दूसरी लाइंस। अब देखो इसमें एक जो टर्मिनस दिखाए जा रहे हैं वो कुछ लाइंस के हेल्प से आपको टर्मिनस बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा डायग्राम हमने बनाया, एक टर्मिनस, ठीक है, ये अभी एक टर्मिनल बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको और आगे इस तरीके से दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए पास ये जो बेटा, अभी मैं इसको मार्क कर देता हूं और अलग कलर से इसको मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा कि ये वाला जो बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रेट लाइन की जगह हमें एक कर्व लेना है। हाँ, अब यहाँ पर ये जो टर्मिनल है बेटा, ये वाला टर्मिनल देखो, ठीक है, हमने जब ऐसा बना के एक लाइन खींच के उसके उसको कनेक्ट करके जो टर्मिनल दिखाया है, तो हमें टर्मिनल मिल गया है कि यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम दो टर्मिनल्स और बनाने वाले हैं, फिर हम मार्किंग करेंगे बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने वाला हूँ। पहले हम टर्मिनल ड्रॉ कर देते हैं। आपको एक टर्मिनल बड़ा बनाना है और एक टर्मिनल साइज में छोटा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, एक टर्मिनल तो ये बना दिया, ठीक है, और नेक्स्ट टर्मिनल जो है बेटा मैंने ये वाला बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इजीली यहाँ पर देखने के बाद पता लग रहा होगा कि कौन सा टर्मिनल बड़ा है और कौन सा टर्मिनल छोटा है। हम थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं, ये और यहाँ पर ये। अब ध्यान दीजिएगा बेटा इसके अंदर, अब इसके अंदर यहाँ पर नोटिस ये करिए कि यहाँ पर हम एक जो भी हमें बैटरी कनेक्ट करनी हो, रेजिस्टेंस करना हो, हम इधर से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम इस साइड कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, एंड तीसरा हम इस साइड कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपको तीन टर्मिनल्स देखने को मिल गए हैं, ठीक है, तीन टर्मिनल्स यहाँ पर आपको विजिबल हैं। अब इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी है बेटा, ये वाली है, सबसे बड़ा टर्मिनल ये वाला है। तो इस टर्मिनल का नाम, जो टर्मिनल आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है बेटा, उस टर्मिनल को, जो टर्मिनल आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उसको हम कलेक्टर बोलेंगे बेटा, जैसे हमने पहले बात करी थी यहाँ पर कि कलेक्टर की साइज सबसे ज्यादा लार्ज होती है। तो दिस टर्मिनल विल बी कॉल्ड कलेक्टर, एंड दिस टर्मिनल विल बी कॉल्ड कलेक्टर, एंड उसके अलावा बेटा ये जो नेक्स्ट टर्मिनल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्मिनल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये वाला टर्मिनल जो होगा इमीटर, ठीक है, जो ये वाला टर्मिनल, ठीक है। अब आप कहोगे सर इमीटर और बेस में से कैसे पहचाने, तो ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर और इमीटर जिस पे भी जाके गिरते हैं, ठीक है, देखो ये कलेक्टर और ये इमीटर, ये किस पे जाके गिर रहे हैं, इस रेड लाइन पे, तो जिस पे जाकर गिरते हैं उसको बोलते हैं बेस। तो ये वाला टर्मिनल जो है बेटा, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा बेस, ये वाला टर्मिनल कहलाएगा बेस, ये कलेक्टर और ये बचा हुआ इमीटर कहलाया। अब यहां पर सुनना, ये तो हमने पहचान लिया, एक तो साइज के बेसिस से पहचाना, दूसरा होता है करंट की डायरेक्शन के बेसिस से पहचानेंगे और उसके टाइप भी पहचानेंगे एनपीएम। तो ध्यान रखना इसमें जो करंट का एरो बनाते हैं वो कभी कलेक्टर पे नहीं बनता है, वो कभी बेस पे नहीं बनता है, वो ओनली कहां पर फॉर्म होता है, तो आंसर विल बी वो इमीटर पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इमीटर पे अगर हमें फॉर्म करना है बेटा, तो मैं यहाँ पर एक एरो बना देता हूं, ठीक है, जो हमें करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, दिस इज एरो फॉर करंट, ठीक है। अब ये जो एरो बना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी हमें पहचानने में हेल्प करेगा कि ट्रांजिस्टर का टाइप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर एरो जिस साइड में मूव करके बैठा होता है, देखो एरो का जो शार्प पॉइंट है बेटा वो किधर की साइड में है, तो इस वाले की साइड में, तो जिधर एरो होता है उस साइड हमेशा एन होता है। तो ये वाला जो टर्मिनल बनेगा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा बेटा, ये एन बनेगा, ठीक है। अगर ये N होगा तो इस वाले को क्या बनना पड़ेगा बेटा, इस वाले को P बनना पड़ेगा। अगर ये N P हो गया तो ये वाला बेटा N बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कौन से टाइप का है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया बेटा, जो ट्रांजिस्टर है एक तो वो NPN है, ठीक है। पहचानने का तरीका हम एरो से पहचानते हैं, ट्रांजिस्टर के टाइप को हम किससे पहचानते हैं, डायग्राम को देखकर एरो से पहचानते हैं कि एरो के सामने वाला N है तो फिर ट्रांजिस्टर कौन सा कहलाएगा, NPN, ठीक है। उसके अलावा इमीटर को कैसे पहचानते हैं, जिस पर एरो लगा होता है। कलेक्टर को कैसे पहचानते हैं, इसमें जिसकी साइज बड़ी होती है। तो पहचानने का तरीका समझ में आया बेटा, साइज बड़ी हो तो कलेक्टर बोलिएगा, अगर इमीटर और कलेक्टर जिसपे गिरेंगे वो बेस कहलाएगा, एरो जिसपे बना होगा वो इमीटर कहलाएगा। तो कलेक्टर को साइज से पहचान लिया, इमीटर को एरो से पहचान लिया, जिसपे जाके गिरे दोनों वो बेस बन गया है। और उसके बाद में ट्रांजिस्टर को पहचानने का तरीका कि एरो के सामने वाला एन होता है, तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को इजीली
एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं बेटा, ठीक है? आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दूसरा टाइप है हमारे पास ट्रांजिस्टर का, कौन सा टाइप रहेगा? नेक्स्ट वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा बेटा। नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा रहने वाला है? तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है? नेक्स्ट टाइप कौन सा रहने वाला है? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है? अब नेक्स्ट वाले की जब हम बात करें बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर की, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? पीएनपी ट्रांजिस्टर की, ठीक है? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझिएगा बेटा, ठीक है? पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉलम टाइप में बना लेते हैं, उसके बाद में बेटा अब पीएनपी ट्रांजिस्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो आप हेडिंग बना लीजिए सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर का हेडिंग बना लीजिए बेटा, दूसरे नंबर का हेडिंग जो है आपके पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेकेंड टाइप का जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जल्दी से हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है? आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लिया। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए क्या करना है वो देखिएगा बेटा, पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमें बनाना भी है, ठीक है? पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमें समझना भी है, बनाना भी है इसका डायग्राम। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए पहले तो क्या करिए, वही रेक्टेंगल वाला अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन बेटा, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है बेटा, तो इसके अंदर जो है हमें साइज को देखना है, हमें किसको देखना है बेटा, साइज को देखना है, ठीक है? साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइज के लिए बेटा, साइज के लिए सबसे जो है बड़ी साइज में किसको रखना है बेटा, कलेक्टर को रखना है, तो ये हमने देखो इतना बड़ा बना दिया। फिर हमें किसको रखना है बेटा, बेस को रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत इजीली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें जो एक टर्मिनल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो हमें एक टर्मिनल देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए कि सबसे बड़ी जो साइज है तो ये हमारे पास बनेगा कलेक्टर, ये मॉडरेट है तो ये बनेगा इमीटर, एंड ये बनेगा बेटा बेस, ठीक है? उसके बाद में आप पढ़ रहे हैं पीएनपी, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा पी। इसमें मैजिटी चार्ज के लिए बेटा होल्स होंगे, इसमें मैजिटी चार्ज कैरियर होल होंगे और इसमें मैजिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। अब बात आता है जो हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन है कि दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी हमें इसका करना होता है बेटा। तो दूसरे रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा बेटा, इसके अंदर भी हमें क्या करने हैं, टर्मिनल्स दिखाने, और कितने टर्मिनल्स दिखाने हैं, तीन, इमीटर बेस कलेक्टर। अब आप रिप्लाई करिएगा पहचानना कैसे बेटा, पहले मैं तीन टर्मिनल्स यहाँ पर डिजाइन कर दूं और उसके बाद में आप मुझे पहचान के दिखाइएगा बेटा, ठीक है? तीन टर्मिनल्स हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले, फिर आप पहचानिएगा। जल्दी से आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है बेटा? अब यहां पर देखो, इसको पहले पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर दें, ये तीन टर्मिनल्स हमें बनाने हैं। अब यहां पर सुनना बेटा, मैं आपसे टर्मिनल पूछने वाला हूं, सबसे बड़े साइज में कौन दिख रहा है बताइए, ये वाला, ठीक है? तो इसका नाम कौन सा हो गया, कलेक्टर, ठीक है? उसके बाद में एरो से पहचानना है, एरो आपको दिया होगा, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इसमें एरो जो है आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, पेपर में गिवन होगा, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है? तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो ये एरो इस पे दिया है, इसका मतलब इट विल बिकम इमीटर, और इमीटर और कलेक्टर जिस पे जाके गिरेंगे बेटा, इट विल बिकम बेस, ठीक है? इट विल बिकम बेस। उसके बाद में इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, एंड बेस हो गया, यहाँ पे इमीटर कलेक्टर एंड बेस हमने यहाँ पे बात कर ली। अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एमिटर कलेक्टर और बेस के बारे में बात करने के बाद क्या करें, अब देखो ट्रांजिस्टर का टाइप पहचानते हैं, इमिटर जो एरो है, एरो का शार्प पॉइंट वो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हमें क्या देने वाला है बेटा, तो ये हमें जो है ये हमें एन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ठीक है? ये हमें एन को रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि एरो तो एन को करा, तो ये पीछे वाला पी, तो पी एन पी, तो आप इजीली ट्रांजिस्टर का पहचान भी सकते हैं। तो करना क्या है, कलेक्टर को साइज से पहचानो, इमीटर को एरो से पहचानो, इस पे जाके दोनों के लिए उसको बेस से पहचानो, और उसके बाद में टाइप पहचानो कि ट्रांजिस्टर का टाइप कौन सा है, तो आपने इजीली बता दिया एरो को देखकर, ठीक है? चलो अब हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में भी पता लग गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी हमने पढ़ लिया ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के टाइप क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद में इनका कनेक्शन कैसे करना है,
ठीक है। अब इनके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, इनका कनेक्शन कौन सा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा ट्रांजिस्टर बेस्ट होता है, ठीक है। चलो हम इनके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले इनके कनेक्शन की, बायसिंग ऑफ या कनेक्शन की और बायसिंग की भी बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बायसिंग ऑफ जंक्शन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, तो बायसिंग ऑफ जंक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जंक्शन टाइप्स ऑफ जंक्शन बोल सकते हैं एंड देयर बायसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक लिख रहा हूं, आप भी लिख लें, टाइप्स ऑफ जंक्शन, टाइप्स ऑफ जंक्शन, टाइप्स ऑफ जंक्शन एंड देयर बायसिंग, टाइप्स ऑफ जंक्शन एंड देयर बायसिंग, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ जंक्शन की बात करनी है और उनकी बायसिंग की बात करनी है कि वो जंक्शन कितने टाइप के बनेंगे यहाँ पर और उनकी बायसिंग कैसे होने वाली है, और उनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि कौन सा ट्रांजिस्टर बेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए गबटा, कौन सा जंक्शन पहले बनने वाला है। तो पहले जंक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहला जंक्शन देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए, बढ़िया तरीके से लिखिएगा। पहला जंक्शन बनेगा बेटा यहाँ पे, और ये जंक्शन हमेशा सब में सेम रहेगा, चाहे आप एम्पलीफायर पढ़िए, चाहे आप स्विच पढ़िए, सब में कॉमन चलने वाला है, ठीक है। इसका एक मेन तरीका बनने वाला है बेटा। तो पहला हो गया इमीटर बेस जंक्शन, पहला हो जाएगा आपके पास में कौन सा जंक्शन, तो इमीटर बेस जंक्शन हो गया बेटा। दूसरे की अगर बात करें तो सेकेंड वाले की अगर बात करें बेटा, सेकेंड वाले की, तो सेकेंड वाला यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में कलेक्टर बेस जंक्शन बेटा, सेकेंड हो जाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। दूसरा टाइप हमारे पास में हो जाता है बेटा कलेक्टर बेस जंक्शन, सेकेंड टाइप हम नोट डाउन कर लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, कलेक्टर बेस जंक्शन, मजा आना चाहिए बेटा पढ़ने में, ठीक है। सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं। तो पहला जंक्शन हो गया इसमें, और इस वीडियो के अंदर ओनली आपको कंटेंट मिलेगा सर, प्योरली कंटेंट फॉर नीट एंड जेई पर्पस, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, वो नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ना ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा, ना बहुत ज्यादा कम पढ़ाया जाएगा, जो काम का है वही पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को फॉलो करते हैं बेटा। इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करते हैं बेटा। इमीटर बेस, अब सुनना इसके अंदर जो पॉइंट है बेटा, इमीटर बेस जंक्शन जो है हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। इमीटर बेस जंक्शन जो पॉइंट बोल रहा हूं लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा कौन सी बायसिंग में रखना है बेटा, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ऑलवेज। FB का मतलब है नॉट फेसबुक, ध्यान रखना, FB मीन्स नॉट, FB का मतलब फेसबुक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। FB का मतलब है फॉरवर्ड बायसिंग। और कलेक्टर बेस जंक्शन बेटा, इसमें दो टाइप के जंक्शन बनने वाले हैं, तो याद रखिएगा कलेक्टर बेस जंक्शन होगा रिवर्स बायसिंग, ठीक है। एक हो गया हमारे पास में फॉरवर्ड बायसिंग बेटा, और एक हो गया रिवर्स बायसिंग। हमारे पास में बेटा एक इमीटर बेस जंक्शन बना विच इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, एंड दूसरा जंक्शन बनेगा बेटा कलेक्टर बेस जंक्शन, जो कि कौन सी बायसिंग में रहने वाला है, रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमेशा, चाहे आपको एम्पलीफायर पढ़ाना पड़े मुझे, चाहे स्विच पढ़ाना पड़े, चाहे कुछ और पढ़ाना पड़े बेटा, ऑसिलेटर, सब में इमीटर बेस जंक्शन हमेशा कौन सी बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, और कलेक्टर बेस जंक्शन कौन सी बायसिंग में होगा, तो आंसर है रिवर्स बायसिंग में होगा। अब आप कहेंगे सर फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होते हैं, तो इसके पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए, सेमीकंडक्टर वाला, पी इंजेक्शन डायोड वाला, उसमें आपको बताया गया है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट करिएगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट करिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में, तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। अगर बैटरी का पॉजिटिव पी सेमीकंडक्टर में जो ट्रांजिस्टर है उसके एन टाइप से कनेक्ट कर दिया, मतलब पी एन के साथ, तो बायसिंग कहलाएगी रिवर्स बायसिंग बेटा, ठीक है, उल्टी बायसिंग हो जाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम एक क्वेश्चन बोल दीजिए, या क्वेश्चन है, या क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, एनपीएन जो है बेस्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है बेटा, एनपीएन इज बेस्ट, या हम एक काम और करते हैं बेटा, पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। अब देखो हम यहाँ पर ले रहे हैं बेटा सबसे पहले वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, तो आप हेडिंग बना लीजिए पहले वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की हम बात कर लेते हैं बेटा, हेडिंग लिख लीजिए वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर,
ठीक है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बेटा, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की। ठीक है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करेंगे, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं, और एक मिनट रुकिएगा बेटा, हम इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दे ताकि आपको ये पहचान में भी आता रहे, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर को समझते हैं कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको पीएनपी से समझा देता हूँ, देन एनपीएस से हम समझाते हैं बेटा। ठीक है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें वर्किंग के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर, देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब हम इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको सारी चीज मैं बता चुका हूं, तो मुझे ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है बेटा। इसका कलर थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये ठीक है, अब आपको इजीली पता लग रहा होगा बेटा कि यहाँ पर अभी मैं पहले जो वर्किंग समझा रहा हूँ वो किसके लिए समझा रहा हूँ बेटा, फोर पीएनपी ट्रांजिस्टर, फोर पीएनपी। ठीक है, तो इट विल बिकम पी, इट विल बिकम एन एंड इट विल बिकम पी। ठीक है, अब यहां पर ये समझिएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लीजिए क्योंकि हमें डायग्राम बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक मिनट के लिए बेटा हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इससे कि हमें डायग्राम बनाने में समझने में दिक्कत ना आए। एक मिनट, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो हम नाम लिख दें इसका। देखो पहली जो वर्किंग समझा रहा हूं बेटा, वर्किंग जो है पहला पॉइंट पीएनपी ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ पीएनपी, आराम से पढ़ेंगे बेटा, जल्दी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर देखिएगा ये वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इतना बड़ा बनाने के पीछे कोई रीजन है बेटा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम इसको इसमें टर्मिनल्स बना देते हैं, तो यहां पर देखिएगा ये बेटा, हाँ देखो अब समझना, हमने सबसे पहले तो बोला है पीएनपी ट्रांजिस्टर बेटा, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में सबसे पहले तो आप ये मार्क कर दीजिए बेटा कि ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा एंड ये वाला पी हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में ये आपको पता है इमीटर, ये वाला बेस एंड ये वाला कलेक्टर बेटा। ठीक है, अब यहां पर समझिए इसके अंदर देखो पीएन जंक्शन के अगर अंदर बात करें बेटा हम, तो इसमें एक जंक्शन तो बेटा ये वाला बन गया है। ठीक है, एक ये वाला जंक्शन है जो आपको ये लाइन दिख रही है बेटा, ये फर्स्ट जंक्शन कहलाएगा, दिस इज फर्स्ट जंक्शन। ये किस किस के बीच में बन रहा है बेटा, इमीटर और बेस के बीच में बन रहा है, इमीटर और बेस के बीच में ये फर्स्ट जंक्शन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट जंक्शन। दूसरा जंक्शन देखिए बेटा, एक सी और बी के बीच में बन रहा है ये वाला जंक्शन, तो ये कहलाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। तो मैंने आपको दो जंक्शन बताए थे बेटा, फर्स्ट इज इमीटर बेस जंक्शन, सेकंड इज कलेक्टर बेस जंक्शन बेटा। तो ये हो गया इमीटर बेस जंक्शन और ये वाला हो गया बेटा कलेक्टर बेस जंक्शन। तो दिस इज जंक्शन नंबर टू एंड दिस इज जंक्शन नंबर वन। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस जंक्शन का कनेक्टिविटी करनी है बेटा। तो अभी आपको मैंने बताया है कि इमीटर बेस जंक्शन देखो कौन सी बायसिंग में बताया बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ में, तो ये पी है बेटा। तो यहां पर हमें क्या करेंगे, जब हम एक बैटरी बनाने वाले हैं बेटा, ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बनाने वाले बेटा, यहाँ पे एक बैटरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं बैटरी बनाऊंगा बेटा अभी यहाँ पे, ठीक है, हम बैटरी डिजाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर बैटरी अगर हम डिजाइन करें बेटा, बैटरी को मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ, आपको इजिली पहचान भी आ जाएगी। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना था, छोटा करना था। देखो इसमें ध्यान देना बेटा, बैटरी के लिए अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या डिजाइन कर लिया बेटा, एक बैटरी डिजाइन कर ली है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इस बैटरी को, अब देखो ये बैटरी का जो है ये वाला जो टर्मिनल है, एक मिनट,
इस बैटरी को इधर भी कनेक्ट कर दीजिए बेटा और इसके साथ भी कनेक्ट कर दीजिए। अब देखो बेटा ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो है हमने एक बैटरी ली है बेटा। इस बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है, इस बैटरी का ये वाला टर्मिनल बेटा, ये टर्मिनल कौन सा टर्मिनल हो गया है? तो आप देखिए ये वाला टर्मिनल बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, एंड ये वाला टर्मिनल बेटा नेगेटिव है। इस पॉजिटिव का कनेक्शन देखिए किससे किया बेटा, पी से किया है, और इस नेगेटिव का कनेक्शन किससे किया बेटा, एन से किया है। देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से, ठीक है। तो ये जो बायसिंग कहलाएगी बेटा, ये बायसिंग कहलाएगी कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ये बायसिंग कहलाएगी बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। अब सिमिलरली हमें करना क्या बेटा, हमें रिवर्स बायसिंग भी करनी है। हमें कौन सी बायसिंग करनी बेटा, हमें रिवर्स बायसिंग करनी है। रिवर्स बायसिंग करें तो अगेन हमें क्या बनानी पड़ेगी बेटा, बैटरियां बनानी पड़ेंगी, ठीक है। हमें एक बैटरी बनानी पड़ेगी और हमें अगेन जो है वही सिमिलरली कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखो हम अगेन क्या करते हैं, पहले इसके कनेक्शन के लिए कुछ ऐसे लाइंस बना लेते हैं, वायर बना लेते हैं, लाइंस भी नहीं वायर से है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने जो है अब हमें सिर्फ बैटरी बनानी है बेटा, तो बैटरी हम बना लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट बेटा, मैं आपको कंप्लीट बैटरी बना के दिखा दूं। यहाँ पे जो गलतियां हो रही है वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बैटरी बनाने में। चलो हम थोड़ा ढंग से बैटरी बनाते हैं बेटा। ये पी है, हमें कौन सी बायसिंग करनी है? रिवर्स बायसिंग का। तो पी का कनेक्शन किसके साथ में? एन के साथ में बेटा। ठीक है बेटा, अब आपको देखो बैटरी देखने को मिल रही है बेटा। इस बैटरी के अंदर ये वाला जो टर्मिनल है, जो ऊपर वाला टर्मिनल है बेटा, ये देखो टर्मिनल कौन सा हो गया बेटा, नेगेटिव टर्मिनल हो गया है, और ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन किसके साथ हो रहा है? पी के साथ में, और पॉजिटिव का किसके साथ में हो रहा है बेटा, एन के साथ में। तो ये बायसिंग कहलाएगी रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो हमें दो टाइप की बायसिंग देखने को मिल गई है, एक फॉरवर्ड बायसिंग देखने को मिल गई है, एक रिवर्स बायसिंग देखने को हमें मिल गई है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा और वर्किंग समझते हैं। इस बैटरी का नाम बेटा, ये बैटरी एक ईएमएफ, जो बैटरी का जो वोल्टेज दिखने वाला होता है वो ईएमएफ है, ठीक है, जो बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो इस बैटरी का नाम हम जो है अभी हम दे रहे हैं बेटा वीबीबी, ठीक है। ये या तो आप इसको बैटरी को नाम वीबीबी दे दीजिए या वीई दे दीजिए बेटा, दोनों में से जो आपको सही लगे आप दे सकते हैं। और इस वाले का नाम बेटा वीसीसी रहेगा, ठीक है। इस वाले का नाम हम दे रहे हैं बेटा वीसीसी, यानी इनपुट वाली जो बैटरी है वो वीबीबी कहलाएगी और ये वाली बैटरी जो है वीसीसी कहलाएगी बेटा। अब यहां पर ये समझिएगा बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है, मैजिटी चार्ज कैरियर बेटा। इसमें मैजिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? यहाँ पर होल होने वाले हैं बेटा पी, ठीक है। यहाँ पर मैजिटी चार्ज कैरियर कौन होने वाले हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैजिटी चार्ज कैरियर जो है बेटा वो होल्स हैं। इस वाले के अंदर मैजिटी चार्ज कैरियर कौन है बेटा? इसमें होल्स हैं, ठीक है, क्योंकि पी है ना। और अब ये क्या होंगे, जो पी वाले हैं बेटा, ये पी वाले क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। और कहां पर जाकर रिकम्बाइन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेटा? इस वाले के अंदर है, ठीक है। तो जब ये होल्स इधर की साइड में मूव करेंगे तो इस बेस वाले पोर्शन में जाकर प्लस माइनस मिल जाएगा, मतलब रिकम्बाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन कहां पर होगा? तो बेस के अंदर जाकर होगा। लेकिन क्या करेंगे, कुछ होल्स जो है बेटा वो पार कर जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे बेटा, ठीक है। और पहले से भी यहां पर कुछ होल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा बेटा। तो इमीटर जो है, इमीटर के लिए करंट इमिट हो रही है, ठीक है। जो इमीटर है वो करंट कहलाएगी, जो इमीटर के पास में करंट पहुंच रहा है वो करंट कहलाएगा बेटा इमीटर करंट आईई, ठीक है। ये वाला करंट कौन सा कहलाएगा? आईई, ठीक है। उसके बाद में कलेक्टर नेगेटिव टर्मिनल बेटा, नेगेटिव में करंट एंटर करती है, इसलिए ये वाला करंट कहलाएगा बेटा आईसी,
क्योंकि कलेक्टर से आ रही होता है ये करंट, ये इमीटर के पास जा रही है, इसलिए इमीटर करंट ये कलेक्टर के पास गई। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव है, नेगेटिव के पास करंट पहुंचना है, तो जितना करंट निकलेगा उतना करंट पहुंचना भी चाहिए, तो यहां से तो कौन सा करंट आ जाएगा बेटा, देखो आईसी, ये वाला करंट कौन सा आ रहा होगा बेटा, आईसी वाला करंट आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जो आईसी है, ये वाला जो आईसी है बेटा, ये वाला आईसी यहां से इधर आ रहा होगा, तो ये आईसी इधर पहुंचेगा, ये आईसी, अब ये आई जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया था बेटा, एक आईबी के अंदर, ठीक है, और एक आईसी के अंदर, तो यहां पे हमें मिला आई। तो आप ये बोल सकते हैं अगर इस पॉइंट पे आप जंक्शन लो भी लगा दें बेटा, अगर इस पॉइंट पर जंक्शन लो लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि आई ई जो है बेटा वो किससे मिलकर बन रहा है, तो आंसर है आई बी प्लस आई सी, आई ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आई बी प्लस आई सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो करंट है वो करंट किसकी डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, तो अगर प्लस इधर जा रहा है बेटा तो इसमें माइनस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वो इधर जा रहा होगा, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा वर्किंग ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इसका रीजन सुनिए, मैं आपको दो रीजन बताने वाला हूं, पहला रीजन समझिएगा, ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज हम अभी क्लियर करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो मैजिटी चार्ज कैरियर आ रहे हैं बेटा, वो मैजिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स हैं, मैजिटी चार्ज कैरियर कौन है, यहाँ पर होल है, ठीक है, मैजिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है, अगर होल ज्यादा होंगे, ठीक है, मैजिटी चार्ज कैरियर होल है, तो होल जो होता है वो हायर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है, होल्स क्या करते हैं बेटा, हायर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं आपको, ठीक है, होल जो होता है बेटा वो किसको प्रोवाइड कराते हैं, तो हायर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस, अगर मैजिटी चार्ज कैरियर में, अगर मैजिटी चार्ज कैरियर में बेटा रेजिस्टेंस, अगर मैजिटी चार्ज कैरियर का होल्स हो जाएं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा तो यहां पर सुनना वीबीवी जो था, हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, पहले हम इधर वाले को इरेज कर दें बेटा, हम इस वाले को इरेज कर देते हैं, लेफ्ट साइड देखिएगा बेटा, मैं लेफ्ट साइड यहां पे लिखने वाला हूं, सुनिएगा बेटा, यहां पे पहला पॉइंट तो आप इसमें सुनिए कि कौन कौन से पॉइंट की हम यहां पर बात करने वाले हैं, तो पहला पॉइंट तो ये समझिए बेटा इसके अंदर कि भाई जो बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना था बेटा, वीबीबी, ये बैटरी का ईएमएफ गया कहां पर, बैटरी का जो ईएमएफ है वो गया कहां पर, ये समझिएगा, ठीक है, बैटरी का ईएमएफ जो है वो गया कहां पर बेटा, तो ईएमएफ जो है वीबीबी जो है वो उसका कुछ वोल्टेज जो ईएमएफ था उसका कुछ पार इस जंक्शन को, जो पहला जंक्शन है आपके इमीटर बेस जंक्शन, इसको जब होल्स पार कर रहे थे तो उनको पार कराने में चला गया बेटा, उनको पार कराने में ड्रॉप हो गया, तो वीबीबी जो ड्रॉप हुआ वो इस जंक्शन को पार कराने में हुआ है बेटा, तो उस वोल्टेज को अगर हम चाहें तो हम एक यहां पर सर्किल में बना के लिख सकते हैं बेटा वीबीई, ठीक है, क्या लिख सकते हैं उसको, वीबीई लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्या मेंशन कर सकते हैं यहां पर, वीबीई, ठीक है, वीबीबी को क्या लिखा जा सकता है बेटा, वीबीई, मतलब वीबीबी का कुछ पार्ट किसमें चला गया बेटा, वीबीबी में, वीबीई में चला गया, तो वीबीबी कैन बी रिटन एज वीबी प्लस, कुछ पार्ट कहां जाएगा, जो मैजिटी चार्ज किए जाते हैं उन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, तो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया उसको मेंटेन करने के लिए कुछ करंट मिला आई बी, ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी बेटा। स्टूडेंट्स हम यहां पर बात कर रहे थे कि वी जो था वीबीबी जो हमने बैटरी को सप्लाई किया है वोल्टेज वीबीबी वो कितने पार्ट्स में जाएगा, तो दो पार्ट्स में जाएगा बेटा, एक तो वीबीई में जाएगा, ठीक है, जो कि वीबीई का मतलब क्या है, यहाँ पे वीबीई का मीनिंग है कि जो इमीटर बेस जंक्शन है उसको क्रॉस करने में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो वीबीई हो गया वो, प्लस यहां से कुछ हमें करंट मिला तो जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में कितना करंट चला गया, तो आईबी चला गया, तो यहां पर वो हो गया आईबी इंटू आरबीबी, हमें एक वोल्टेज बन जाता है, तो वीबीबी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वीबी प्लस आई बी इंटू आर बी बेटा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हो गई है आई ई जो मैंने आपको यहां पर दिखा रखी है बेटा,
एक इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी दिखाई हुई है, दूसरी इक्वेशन होगी वी बी बी इज इक्वल टू वी बी प्लस आई बी इंटू आर बी हो गई बेटा। उसके बाद में हम यहाँ पर एक और चीज की बात कर लेते हैं कि जो करंट होता है बेटा आई बी जो होता है बेटा वो माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत ही स्मॉल करंट हुआ करता है, ठीक है। आई बी जो है वो माइक्रो एम्पियर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो कलेक्टर करंट है बेटा वो मिली एम्पियर में होता है। कलेक्टर करंट जो है वो किसमें हमें देखने को मिलेगा, तो आंसर है मिली एम्पियर के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई बी माइक्रो एम्पियर में है, आई सी मिली एम्पियर के अंदर है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो बेटा मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर या आप रीजंस लिख सकते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल है, ठीक है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, होल है। और जब होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं बेटा तो वो हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे बेटा तो हायर रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए करंट भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, आई बी भी ज्यादा चाहिए बेटा। और जब आई बी ज्यादा चाहिए तो हमें वी बी भी ज्यादा चाहिए बेटा, तो इस वजह से वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए, मतलब कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है ऑपरेट तो होगा लेकिन किस पे होगा, हाई वोल्टेज और हाई रेजिस्टेंस पे। तो वोल्टेज हाई हो गया है इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, ऑपरेट तो हो पाता है, हम लेते भी हैं, लेकिन इससे बेस्ट कौन सा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ट होगा बेटा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, तो हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेटा, ठीक है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। चलो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो हम इसको पूरा स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर, हम ले रहे हैं यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, टॉपिक का नाम लिख लो, सेकंड टॉपिक है हमारे पास में बेटा, सेकंड टॉपिक हमारे पास में है वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है बेटा, हमारे पास में वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, आप इसको बड़ा कर लीजिए, अपने आप टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। चलो अब वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे बेटा, इसके अंदर सबसे पहले डब्बा बनाइए, सबसे पहले डब्बा बनाइए बेटा, डब्बा मतलब किसके लिए, ट्रांजिस्टर के लिए बेटा, डब्बा बना लेते हैं। देखो इसमें हमने एक बहुत बड़ा सा ये डब्बा बना लिया, फिर हमने क्या करा, डब्बा बनाने के बाद बेटा इसमें एमिटर बेस कलेक्टर दिखा दो, तो हमने एमिटर बेस कलेक्टर दिखाने के लिए बेटा कुछ ऐसा कर दिया, देखो यहाँ पर ये आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा हम साइज को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, इमीटर दिखाने के लिए हम थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं और कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारे पास में हो गया है कौन सा, इमीटर बेस एंड कलेक्टर बेटा, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम मार्किंग एन पी एन, ठीक है, इसका कनेक्शन करते हैं बेटा बैटरी के साथ में, तो यहाँ पर ये हमारी कौन सी बायसिंग में जाने वाला है, फॉरवर्ड बायसिंग में बेटा, तो फॉरवर्ड ये एन है तो इसलिए हमें इसका कनेक्शन भी एन से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला P है बेटा तो इसका कनेक्शन भी हमें P से करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने P से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इस बैटरी का नाम क्या हो जाएगा बेटा, वी बी बी, ठीक है। वही इमीटर और बेस का जो जंक्शन है उसको क्रॉस करने में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा उसको आप किससे दिखा सकते हैं, तो आप उसको दिखा सकते हैं बेटा किससे, वी बी ई से बता सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, और नेक्स्ट कलेक्टर को कनेक्ट करना है, बेस कलेक्टर जंक्शन को बेटा कौन सी बायसिंग, ये तो था फॉरवर्ड बायसिंग में, अब कौन सी बायसिंग लेनी है बेटा, रिवर्स बायसिंग। अगर रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे बेटा तो यहां पर देखिए एन को पी के साथ कनेक्ट करना है,
ठीक है, तब बाइसिंग कहलाएगी रिवर्स बाइसिंग। अगर एन पी के साथ होता बेटा तो बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग हो जाती है, तो हमने ये कनेक्शन कर दिया तो ये बाइसिंग होगी बेटा रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखें तो इस बार मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर मिलेंगे बेटा, इस बार कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से मिलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। करंट का वापस से डायग्राम बनाइए कि करंट क्या क्या होगा, तो यहां से बेटा इस बार आई ई इधर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला करंट इस बार आई ई हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये वाला करंट कौन सा हो गया इस बार, आई ई। उसके बाद में ये वाला हो गया बेटा आई ई। अब ये आई ई यहां पर, ठीक है, यही पर आप बना सकते हैं बेटा आई ई को। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखा सकते हैं। इधर VCC जो बैटरी है बेटा, इसके कौन सा करंट निकलेगा, IC। ठीक है, तो IC यहाँ पर एंटर होते हुए भी दिखाना पड़ेगा, इधर से आता हुआ IC दिखाना पड़ेगा। तो I इधर आ रहा है तो ऊपर की साइड में कौन सा करंट जाएगा, IB। तो यानी आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC का। ठीक है, IE इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, IB प्लस IC। ठीक है, उसके बाद वही सेम कहानी जो आपको पहले बताया था कि यहाँ पर माइनस इधर जाएगा बेटा, माइनस का मूवमेंट इधर होगा, यहाँ पर प्लस अवेलेबल होंगे, इनके साथ में इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पार कर जाएंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पार कर गए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट किसकी मोशन दिखानी पड़ेगी बेटा, होल्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होल्स की मोशन जो है उसकी डायरेक्शन में करंट हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप पूरा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, वर्किंग सिमिलर है, वही सेम इक्वेशन बनाना चाहें एक बार और आप इक्वेशन बना सकते हैं, वी बी बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वी बी प्लस आई बी इंटू आर बी। सिमिलर इक्वेशन अगर बनानी है वी सी सी के लिए तो वो भी बना सकते हैं बेटा, वही बेस और कलेक्टर को क्रॉस करने के लिए पोटेंशियल जाएगा बेटा वो वी सी होगा। ठीक है, जो ड्रॉप होगा प्लस आई सी इंटू आर सी का। तो हमारे पास में ये इक्वेशन हमें मिल जाती है, ये कहलाएगी वर्किंग ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, इसमें एक और चीज आप डिस्कस कर लीजिए, ये तो आपको रीजन पता लगी गया, मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पर नोट। ठीक है, ड्रॉइंग को क्लियर करने के बाद हम नोट को लिख लेते हैं, नोट इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, तो इसको जरूर लिखिएगा। नोट नंबर वन बेटा, नोट नंबर वन क्या रहने वाला है देखिए, पहला नोट नंबर वन है बेटा, नोट नंबर वन जो आपको समझाया उसी नोट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, नोट नंबर वन कि एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बेस्ट, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बेस्ट देन पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बेस्ट देन एन PNP ट्रांजिस्टर बेटा। इसका एक रीजन तो मैंने आपको यह बता दिया है कि मैजोरिटी चार्ज कैरियर PNP में होल्स होते हैं, पर होल जो हैं वो हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हायर वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए PNP ट्रांजिस्टर बेस्ट नहीं है। एक अनदर रीजन और होता है बेटा कि जो मास है, मास ऑफ होल जो होता है बेटा, मास ऑफ होल, ठीक है, वो ज्यादा होता है किससे बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ होल जो होता है बेटा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, मास ऑफ होल जो है ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब मास ऑफ होल जब ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आप ये बोल सकते हैं, अब यहाँ पे जो है मास ऑफ होल ज्यादा है किससे बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ होल अगर ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो हम जानते हैं बेटा कि A बराबर होता है F बाई एम, A बराबर F बाई एम। तो जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा बेटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा वो ज्यादा होगा किससे, एक्सेलरेशन ऑफ होल से बेटा। और अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो मोबिलिटी भी ज्यादा होगी बेटा, मोबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी किससे, मोबिलिटी ऑफ होल से। और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी वो ट्रांजिस्टर सबसे बेस्ट होगा, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ट होगा बेटा किससे, पीएनपी ट्रांजिस्टर से। उसके बाद में एक और नोट की मुझे बात करनी है, तो नेक्स्ट नोट देखिए बेटा आप, सेकेंड नोट भी आप लिख लीजिए बेटा,
नोट नंबर टू की बात कर रहे हैं, नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, ठीक है, नोट नंबर टू को ध्यान दीजिएगा बेटा। नोट नंबर टू की बात करें बेटा तो सुनना कि हमारे पास में ये कोई भी एक ट्रांजिस्टर था बेटा, ठीक है, देखो हमारे पास में एन पी एन बेटा, ठीक है, हमारे पास में एनपीएन एक ट्रांजिस्टर है। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर पे अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे किसकी हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा, अभी हम बोले कि ये जो है, देखो दोनों साइड मैंने लाइन खींच दी है बेटा, ठीक है, तो ये स्ट्रेट नहीं जा रही है बट आपको समझ में आ जाएगा, दोनों के अंदर ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बनेगी, जंक्शन है तो डिप्लेशन लेयर बनती है बेटा पीएन जंक्शन के अंदर, तो ये जो डिप्लेशन लेयर बन रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर क्या ऑफर करेगी बेटा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो अभी इस वाली जंक्शन की वजह से, इस वाली डिप्लेशन लेयर की वजह से और इस वाली डिप्लेशन लेयर की वजह से, जो दोनों की जो डिप्लेशन लेयर बन रही है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस बेटा इक्वल है, इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस, बट किस कंडीशन में बेटा, व्हेन नो बायसिंग, जब हमने कोई बायसिंग नहीं करी है, जब हमने कोई बायसिंग नहीं करी है बेटा तो इक्वल रेजिस्टेंस है, लेकिन अब क्या होता है बेटा, आप इसकी बायसिंग कर देते हैं, ठीक है, आपने क्या करा बेटा यहां पर बायसिंग कर दी, देखो अब आप समझना क्या किया बेटा, आपने इस बार जो इसकी बायसिंग कर दी है, ठीक है, इसकी जब आपने बायसिंग कर दी बेटा तो बायसिंग करने पर सुनना क्या होगा, देखो अगर हम इसकी बायसिंग की बात करेंगे बेटा तो बायसिंग करने पर क्या होगा, कौन कौन सी बायसिंग करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग बेटा, तो जब इस वाले की, देखो इस वाले की बायसिंग आपने करी, मैं यहाँ पर बैटरी नहीं बना रहा हूं और आपको सिर्फ मैं बिना बैटरी के समझा रहा हूं, वैसे आप बैटरी बनाना चाहें यहाँ दिखा लीजिए कि ये बैटरी है, ठीक है, एनपीएन है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होने की वजह से बेटा यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर होने की वजह से, समझना, एनपीएन ट्रांजिस्टर होने की वजह से फॉरवर्ड बायसिंग करनी है बेटा, तो इसको एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इधर की साइड में ये बायसिंग हो गई है कौन सी, फॉरवर्ड बायसिंग, इधर वाली बायसिंग की बात करेंगे बेटा कौन सी बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायसिंग की अगर बच्चों हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी एन होगा तो एन का कनेक्शन किसके साथ होगा, एन के साथ बेटा, सॉरी एनपी के साथ मिटा, ठीक है, ये हमारे पास था एन, एन का एन के साथ किया तो रिवर फॉरवर्ड बायसिंग, और एन का जब पी के साथ करेंगे बेटा, एन का किसके साथ में, पी के साथ में बेटा, तो जब एन का पी के साथ में कनेक्ट कर दिया तो ये बायसिंग हो जाएगी, कौन सी वाली बायसिंग बेटा, रिवर्स बायसिंग, और ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर, ये पीएन जंक्शन डायोड वाले के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो लोअर होता है, तो यहां पर जब बायसिंग कर दी, इसमें कोई बायसिंग नहीं थी, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल थे बेटा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा बेटा, ठीक है, पहले के कंपेयर में इस जंक्शन का रेजिस्टेंस लोअर हो जाएगा, तो लोअर रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस वाले का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा, इस वाले का रेजिस्टेंस हो गया बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस बेटा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ का रेजिस्टेंस उठकर कुछ इधर चला गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, यानी जो ट्रांजिस्टर की जो डेफिनेशन थी, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस, या ऐसा बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हुआ बेटा, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला ट्रांजिस्टर, उसके अलावा देखो ये सर्किट है बेटा इनपुट सर्किट, ठीक है, और ये वाला सर्किट है बेटा आउटपुट सर्किट, ये वाला सर्किट है इनपुट और ये वाला आउटपुट है, तो जब इनपुट में दोगे कुछ सिग्नल तो वो हमें कहां पर देखने को मिलेगा बेटा, आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब सिग्नल किसने दिया, इनपुट में, और मिला किसने, आउटपुट में, और इनपुट का रेजिस्टेंस कितना है, लोअर, और आउटपुट का रेजिस्टेंस कितना, हायर, तो हम ये कहेंगे
सिग्नल का ट्रांसफर हुआ इनपुट सर्किट से आउटपुट सर्किट, मतलब लोअर रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो तो यहां से कंफर्म हो गया कि जब कोई बायसिंग नहीं थी तो इक्वल रेजिस्टेंस था, बायसिंग करने पे इधर का रेजिस्टेंस कम हो गया, इधर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब यहां से रेजिस्टेंस यहां ट्रांसफर कर गया है। दूसरी डेफिनेशन, ट्रांसफर होते हैं सिग्नल लोअर रेजिस्टेंस मतलब इनपुट सर्किट से हायर रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट सर्किट की ओर, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक करेंगे आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, उसके बाद में हम कॉमन जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसके तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वो करेंगे बेटा। थैंक यू।